किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे ड्रिंचिंग की। जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं और वो उनके हम जवाब देते हैं, तो हमने काफ़ी बार कहा था कि इस दवाई की ड्रिंचिंग करें। उनमें दो दवाइयाँ मुख्यतः हैं, एक है क्लोरोपाइरोफास और बवेस्टीन की और एक है COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की। किसान साथियों, ये ड्रिंचिंग होती क्या है, आज मैं इस पर चर्चा करूँगा, ये बताऊँगा कि ड्रिंचिंग का मतलब क्या है और ड्रिंचिंग में किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और ड्रिंचिंग किस प्रकार करते हैं। किसान साथियों, ड्रिंचिंग का अर्थ है भिगोना, यानी किसी चीज़ को अगर आप पानी में उसे तर कर दें। तो हम जब ड्रिंचिंग की पौधों में बात करते हैं, ये मेरा दिसंबर 2020 का पौधा है लगाया हुआ, इसमें देखिए हम यहाँ पर, इसका मतलब है कि ड्रिंचिंग का मतलब है कि जो इसकी यहाँ पर जड़ें हैं उनमें पानी पिलाना, यानी उन जड़ों को अच्छी तरह से भिगो देना। अब ये भिगोएंगे कैसे, लोग ये समझते हैं कि अगर हम इसकी दवाई जड़ों में डब्बे से लेकर दवाई डाल दें, एक बाल्टी में दवाई घोल लें और डब्बा लें और उसमें डाल दें। दूसरा है कि आपके पास पंप है और पंप से आप किस प्रकार करेंगे। किसान साथियों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी संशय हो तो इस पर एक लेख भी मैंने अपनी वेबसाइट पर आज ही डाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लेख को आप डाउनलोड कर लें और अपनी फाइल में लगा लें, जब भी ड्रिंचिंग की आवश्यकता हो आप उसे पढ़ लें और करें। किसान साथियों, जो हम डब्बे से डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें दवाई ले लूं और मैं जब इसको डालूंगा इस तरह से, तो क्या है कि मुझे बहुत धीरे धीरे डालनी पड़ेगी दवाई। और देखिए, जब मैं झुकता हूं तो 10-15 पौधों के बाद मेरी कमर भी दर्द करने लगेगी, और ये सही तरीका नहीं है अगर आप नहीं कर रहे। ये बहुत ही गलत तरीका होगा अगर आप मजदूरों से करा रहे हैं और आप उनकी साथ नहीं हैं। आपको लगेगा हमने ड्रिंचिंग कर दी है, लेकिन दवा का असर नहीं होगा और दवाई भी ख़राब होगी। पहला कार्य, तो मैं ये कहता हूँ कि आप पंप से इसका ड्रिंचिंग करें। किसान साथियों, ये मेरा पंप है 20 लीटर का, इसमें ये फवारा लगा हुआ है जिससे हम स्प्रे करते हैं। देखिए, मैं क्या करता हूँ ड्रिंचिंग के लिए, ये फवारे का ये अगला हिस्सा मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अलग कर लिया। जब मैंने अलग कर लिया तो इसको मैं एक तरफ रख दूंगा। ये है मेरा छोटा पंप, मैं इसका भी बताऊंगा। जो किचन गार्डनिंग वाले हैं उनके पास ये 5 लीटर का है, 2 लीटर का भी होगा और 1 लीटर का भी होगा। अब इस पंप को आपने ये खोल लिया और इसमें मेरे पास दवाई है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहन लूँगा और इसमें दवाई भर ली, जिस मात्रा में हमने बताई है उस मात्रा में दवाई भर ली। और अब आप देखिए, जैसे ही आप ये ऑन करेंगे, इसका स्विच ऑन करेंगे, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया और इस जैसे ही मैं दबाऊंगा यहाँ से दवाई निकलनी शुरू होगी। ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसके जड़ के पास ले जाना है और धीरे धीरे इसको धीरे धीरे जितनी दवाई बताई है धीरे धीरे डालिए, बहुत धीरे धीरे। तो आप देखेंगे कि पूरी दवाई से हमें जड़ को भिगोना है अच्छी तरह से। ये हो गई आपकी ड्रिंचिंग। किसान साथियों, मैंने इस पौधे में ड्रिंचिंग की। अब मैं एक नींबू के पौधे में दिखाता हूं कि उसमें किस प्रकार ड्रिंचिंग करेंगे। ये मेरा नींबू का पौधा है, देखिए उसमें कितने आराम से हो गया। अब मुझे इसमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा और ये देखिए, ये मैं इसमें फिर ड्रिंचिंग करूँगा। ये इस प्रकार से मैंने, हमें जो पास की जड़ें हैं केवल उन्हीं को करना है और धीरे 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 दवाई जो है ना पूरी तरह से जड़ों में जाएगी। ये हो गई आपकी ड्रिंचिंग। जो भाई और बहन किचन गार्डनिंग करते हैं उनके पास इस प्रकार के पंप होते हैं। आपको इस पंप में दवाई डालकर हवा भरनी है और ये हवा भरने के बाद को ये बंद कर देना है। और ये जो आपका स्प्रे पंप है यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए स्प्रे आ रहा है, ये इसको हटाना है।
इसको खोल देना है बिल्कुल। और अब इसमें आप देखेंगे कि ये इस तरह से पानी आ रहा है। इससे आप धीरे 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 यहाँ पर इस प्रकार से दवाई कर सकते हैं। ये देखिए, इसके पास में अपने गमले में धीरे 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 दवाई दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह जो भाई गमले में करते हैं वे इस प्रकार करें, और इससे आपकी दवाई भी ख़राब नहीं होगी और आपको इससे कोई असुविधा भी नहीं होगी। किसान साथियों, जो डब्बे से हम करते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैं एक पौधा दिखाता हूँ। ये बड़ा पौधा है और मैंने इसकी कैनोपी मेंटेन की हुई है, तो इसके नीचे का हिस्सा मेरा बिल्कुल साफ़ है। तो मैं यहाँ से मैं दवाई लूँगा और यहाँ पर झुकूँगा और इस तरह से मैं दवाई डालूँगा इसमें। तो मैं क्या होगा कि 8-10 पेड़ तो करूँगा और उसके बाद क्या होगा, दवाई लूँगा और इस तरह से फेंकना शुरू कर दूँगा, और वो दवाई बाहर ज़्यादा जाएगी, उसकी जड़ों में नहीं जाएगी। और जो आपके नींबू वर्गीय पौधे हैं, जैसे नींबू के पौधे जिनमें कांटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े झाड़ हो जाते हैं, उन झाड़ों में बार बार नीचे जाना, उनको हटाना, या जिनकी टहनियाँ बहुत नीचे तक आई हुई हों उनको हटाना और डब्बे से डालना, तो मजदूर लोग क्या करते हैं कि आप 5-7 पेड़ों में ठीक करते हैं, उसके बाद उनकी कमर भी दुखने लगती है और वो फटाफट जल्दी से जल्दी उसमें दवाई करते हैं। किसान साथियों, दवा का मतलब है सही तरीके से और सही मात्रा में सही जगह पर देना। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप इस तरह से ड्रिंचिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधों को फ़ायदा होगा, समय कम लगेगा और दवाई की मात्रा भी कम ही लगेगी। किसान साथियों, ये थी मेरी ड्रिंचिंग पर प्रस्तुति। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।